बाबर आजम पाकिस्तान के वो पहले कप्तान बन गए हैं जो किसी भी बड़े टूर्नामेंट में नंबर वन टीम बनकर जा रहे हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को तीसरे और आखिरी वनडे मैच में चारों खाने तीन खाने जीत कर दिया। चौथा खाना जो है वो हम मुजीबुर रहमान के लिए छोड़ देते हैं जिनकी बल्लेबाजी ने सभी को आकर्षित किया। एक बार यार मुजीबुर रहमान के लिए भी तालियां बजनी चाहिए। एक ऐसी पिच जहां पर पाकिस्तान की टीम के जो दुनिया के टॉप फाइव में से तीन बल्लेबाज हैं जो संघर्ष कर रहे थे, 25 ओवर में केवल 80 रन बने थे, उस पिच पर मुजीबुर रहमान ने 37 गेंदों में 64 रन ठोक दिए। 25 ओवर में 80 रन और उसके बाद आखिरी के अगर ओवरों को मिला दें तो 50 ओवर में 259 रन से जीत। पाकिस्तान की टीम कमबैक करना जानती है, उसने कमबैक दूसरे मैच में भी किया था जब अफगानिस्तान लगभग वो मैच जीत गया था और उसके बाद पाकिस्तान ने उसके मुंह से वो जीत छीन ली थी। तीसरे मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को फिर रियलाइज कराया कि वो दुनिया की नंबर वन टीम है, तो सिर्फ कहने के लिए नहीं है, उनकी टीम में वो दमखम है। अफगानिस्तान के पास इंडिविजुअल लेवल पर कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो दुनिया के ग्रेटेस्ट खिलाड़ियों में शामिल हो सकते हैं।